मोदी सरकार पिछले एक बरस से आत्मनिर्भर भारत का वादा कर रही है, एक प्रकार से कैंपेन आप कह लें या नारा समझ लें, लेकिन क्या मोदी सरकार अपनी बातों पर खुद अमल कर रही है? क्या वो खुद को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर प्रयास कर रही है? ये रिपोर्ट आपको ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि सत्ता जिस चीज का प्रलोभन आम जनता को देती है, क्या वो उस चीजों को अपने कार्यशैली में अपनाती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया था, कहा कि उनकी सरकार अन्य देशों पर निर्भरता खत्म कर रही है, जल्द से जल्द वह हर सामान भारत में बनेगा जो अभी बाहर से मंगवाया जा रहा है। इसके लिए पॉलिसी में भी कई बदलाव किए गए, पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मोदी सरकार ने ना सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार के 16 साल पुराने नियम को बदला, बल्कि चीन समेत 40 से ज्यादा देशों से गिफ्ट और डोनेशन भी कबूल किए। बड़ा सवाल है ये, मनमोहन सिंह ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया था या नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं? अगले कुछ सेगमेंट्स में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि विदेशी सहायता को लेकर भारत की नीति क्या रही है और मनमोहन सिंह सरकार के बनाए किस नियम को मोदी सरकार ने बदला है। क्या थी मनमोहन सिंह की आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2004 से 2014 तक केंद्र में रही। दिसंबर 2004 में जब दक्षिण भारतीय तटीय इलाकों में सुनामी ने तबाही मचाई, तब मनमोहन सिंह ने विदेशी मदद की पेशकश यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि हम अपने स्तर पर हालात से निपट सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ही विदेशी सहायता लेंगे। खैर, उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी। मनमोहन सिंह ने जो कहा उस पर कायम भी रहे। 2005 के कश्मीर भूकंप, 2013 के उत्तराखंड की बाढ़ और 2014 की कश्मीर बाढ़ की राष्ट्रीय आपदाओं के समय भी मनमोहन सिंह ने ना तो किसी और देश से राहत मांगी और ना ही उनकी पेशकश को स्वीकार किया। और तो और, अगर कोई देश मदद की पेशकश करता तो उसको सम्मान के साथ मना कर दिया जाता। पर ऐसा नहीं है कि भारत सरकार की हमेशा से पॉलिसी ऐसी ही रही है। इससे पहले उत्तरकाशी भूकंप जो कि साल 1991 में आया था, लातूर भूकंप जो कि 1993 में आया था, गुजरात भूकंप जो कि 2001 में आया था, बंगाल तूफान जो कि 2002 की बात है और बिहार की बाढ़ जो 2004 की बात है, इसमें भारत ने विदेश से राहत कार्यों में मदद ली थी। आपको 2018 की केरल की बाढ़ याद होगी, तब राज्य सरकार ने कहा था कि 700 करोड़ रुपए की सहायता की पेशकश यूएई ने की है, पर केंद्र की मोदी सरकार ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, राज्य में जो भी घरेलू राहत एवं पुनर्वास के काम होंगे उसके लिए घरेलू स्तर पर ही पैसा जुटाया जाएगा। इस पर केंद्र और राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति भी बनी थी। तो अभी क्या बदल गया है, अभी बताते हैं आपको कि आगे की राह में क्या क्या बदलाव किए गए। मनमोहन सिंह का दिसंबर 2004 में दिया गया बयान बाद में पॉलिसी बना और उसके बाद कभी भी राष्ट्रीय आपदा के समय विदेशी सहायता नहीं ली गई। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जरूर मोदी सरकार की विदेशी पॉलिसी में तीन बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव, चीन से ऑक्सीजन संबंधी सामान और जीवन रक्षाएं दवाएं खरीदने में कोई वैचारिक समस्या नहीं। पाकिस्तान से मदद ली जाए या नहीं, इस पर सरकार विचार कर रही है, कोई फैसला नहीं हुआ है, संभावनाएं कम ही हैं कि मदद स्वीकार की जाएगी। दूसरा, राज्य सरकार विदेशों से टेस्टिंग किट से लेकर दवाएं तक खरीद सकेंगी, साथ ही किसी भी तरह की मदद प्राप्त कर सकेंगी। इसमें केंद्र सरकार या उसकी कोई भी पॉलिसी आड़े नहीं आएगी, यह पॉलिसी लेवल पर एक बड़ा बदलाव है। तीसरा, भारत सरकार ने विदेशों से गिफ्ट, डोनेशन और अन्य सहायता स्वीकार करना शुरू कर दिया है, यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि 2004 के बाद यह पहली बार हो रहा है। अब सवाल उठता है चीन का, चीन को लेकर पॉलिसी में क्या बदलाव किया गया है? आपको पिछले बरस का चीन के साथ सीमा पर संघर्ष याद होगा, भारत ने चीन के साथ कई डील्स रद्द कर दी थी, कई ऐप्स को भी प्रतिबंधित किया था, इसके बाद उससे माल खरीदने पर भी कई तरीके की पाबंदियां लगाई थी। अब नई पॉलिसी के तहत ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण खरीदने को लेकर केंद्र ने मंजूरी दे दी है। भारत में चीनी राजदूत
सून विडोंग ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की और कहा कि चीनी मेडिकल सप्लायर्स भारत से मिले और ऑर्डर को पूरा करने के लिए ओवरटाइम कर रहे हैं। कम से कम 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर उन्हें मिले हैं। कार्गो प्लेन मेडिकल सप्लाई लेकर उड़ने वाले हैं। चीनी कस्टम भी इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को पहली मदद आई थी, पर अब तक राज्यों को ये मदद पहुंची नहीं है। कई रिपोर्ट्स इस बात का खुलासा करती हैं कि मदद पहुंचने में 25 अप्रैल को मदद आ चुकी थी, लेकिन राज्यों तक मदद पहुंचाने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। सरकार ने तय तो किया था कि विदेशों से आई सहायता को जल्द से जल्द राज्यों में पहुंचाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कई राज्यों का कहना है कि केंद्र से क्या मिल रहा है उन्हें अब तक बताया ही नहीं गया है। इस पर केंद्र सरकार ने बीते गए मंगलवार को सफाई दी थी कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सामान भेजा जा चुका है। हालांकि राज्यों के अधिकारियों के मुताबिक वितरण प्रक्रिया पर फैसला 3 मई की शाम को हुआ है। शाम को नीति आयोग की बैठक हुई, इसमें ही विदेशी सहायता राज्यों को पहुंचाने पर चर्चा हुई। तब जाकर राज्यों के अधिकारियों को केंद्र से ईमेल मिले कि उन्हें क्या मिलने वाला है। 25 अप्रैल को पहली खेप आने के बाद भी राज्यों को 1 हफ्ते तक उसका लाभ नहीं मिल सका। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रवक्ता के अनुसार 28 अप्रैल से 2 मई के बीच 300 टन राहत सामग्री पहुंची, पर वह सही जगह नहीं पहुंच सकी। अब केंद्र सरकार के अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने सही समय पर एक्शन लिया और सभी राज्यों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। आपको बता दें कि अब तक 40 देशों ने हमारे देश की सहायता की है। इसमें पड़ोसियों से लेकर दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी शामिल हैं। भूटान ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, वहीं अमेरिका जल्द ही एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन भेजने वाला है। ये वही वैक्सीन है जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के नाम से बनाया है। अमेरिका, भूटान के अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, हांगकांग, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, थाईलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इटली और यूएई ने भी राहत सामग्री भेज दी है या भेजने वाले हैं। इसके अलावा भी कई देश राहत सामग्री को भेजने वाले हैं। पॉलिसी में इस बदलाव को लेकर सरकार का क्या कहना है ये भी आप जान लीजिए। सरकार इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि भारत ने किसी से मदद की अपील नहीं की है और यह खरीद से जुड़े निर्णय हैं। अगर कोई सरकार या निजी संस्था गिफ्ट के तौर पर डोनेशन दे रही है तो हम उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि इसे पॉलिसी चेंज नहीं कहा जाना चाहिए, हमने उन्हें मदद की, अब हमें मदद मिल रही है। यह बताता है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसे मित्र देशों की मित्रता करार दिया। विदेशी सामग्री का इस्तेमाल कौन और कब करेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने इसके लिए पॉलिसी तय कर ली है। भारत सरकार ने सभी विदेशी सरकारों और एजेंसियों से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को डोनेशन देने को कहा है। इसके बाद एम्पावर्ड ग्रुप तय करेगा कि इस मदद का इस्तेमाल किस तरह और कहां और कब किया जाएगा। विदेश सचिव श्रृंगला के मुताबिक भारत ने कई देशों को जरूरत में हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल और यहाँ तक कि रेमडेसिविर और वैक्सीन भी सप्लाई की है। अब वह देश ही भारत की मदद कर रहे हैं। भारत ने अब तक 80 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन भेजी है। अगर विदेशों से मदद आ रही है, मदद स्वीकार की जा रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि किस तरीके के पॉलिसी में बदलाव हुए हैं और मनमोहन सिंह के समय में क्या पॉलिसीज थी, तो क्या मनमोहन सिंह के समय से भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ गया था? क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से किसी कांग्रेसी नीति को बदल के नई नीति बनाई है, या फिर से किसी कांग्रेसी नीति को ही अपना कर उसका नाम बदल दिया है? आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।